भाषा और व्याकरण का प्रश्नोत्तर। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? भाषा के दो रूप, एक मौखिक और लिखित। कुछ ऐसे भाषाओं के नाम बताइए जिनकी लिपि देवनागरी है। उत्तर, देवनागरी लिपि है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। इस प्रश्न के उत्तर खुद लिखिए। 3 नंबर, चित्र देखकर बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। क मौखिक, ख मौखिक, ग लिखित। लिखित रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप। 4 नंबर, नीचे दिए वाक्यों पर सही टिक या गलत का चिन्ह लगाइए। मन के भाव को प्रकट करने का साधन भाषा है, टिक। भाषा केवल बोली जाती है, गलत, क्योंकि ये लिख भी जा सकती है। सभी भाषाओं की एक सी लिपि होती है, गलत नहीं, बहुत सारी लिपि होती है। नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि होती है, टिक, सही है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही है। व्याकरण का काम है भाषा का शुद्ध रूप बताना, सही है। भारत के कुछ प्रदेशों के नाम लिखिए और वहां की भाषा कौन सी है, इंटरनेट की सहायता से पता करके लिखिए। प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा है, कर्नाटक के कन्नड़, गुजरात के गुजराती, महाराष्ट्र के मराठी, केरल के मलयालम, असम के असमिया, बिहार के हिंदी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे की देश वह भाषा होती है जिसे वे सबसे पहले अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों से सीखते हैं, मातृभाषा, क्योंकि बच्चे बचपन ही घर से ये भाषा सीख लेता है। ख हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, हिंदी। ब्रेल लिपि का प्रयोग नेत्रहीन व्यक्ति करते हैं। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। दी गई लिपियों में लिखी जाने वाली भाषाओं के नाम वर्ग पहली में ढूंढकर लिखिए। अंग्रेजी, देवनागरी हिंदी दे दिया है, गुरुमुखी, पंजाबी, फारसी, उर्दू, रोमन, अंग्रेजी।